अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर अदर व्लॉग, वेलकम बैक टू लाइफ विद सना, वेलकम बैक टू ब्यूटीफुल डे। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत मतलब वेदर है आज का। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। आज का जो दिन है वो है सैटरडे, और ईद के बाद जो रूटीन है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, मतलब कि नॉर्मल रूटीन आ गई है। वही आज कपड़े वॉश, मतलब कपड़े भी धोएंगे और साथ में बिस्तर भी वॉश करेंगे। और मैं जो है आज कर रही हूँ किचन में काम। मैंने उनसे ले लिए एक ज़िम्मेदारी जिसमें अभी आटा गूंदना है, इसमें आटा गूंदने हैं। और वहाँ मैंने सामान बना के रखा हुआ है उधर, हाँ ये सारा सामान वगैरह बना रखा हुआ है। इसके अलावा वो है भिंडी जो मैंने अभी काटनी है और काटने के बाद पकाऊंगी। तो ये दो काम मुझे करने, साथ में किचन साफ़ करना होगा, रोटियां बनानी होंगी। तो ये काम आज मैंने इनसे लिया है। तो व्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो वेदर को करते हैं इंजॉय और साथ में करते हैं काम खुशी खुशी से। तो लेट्स गो। तो अब मैं मासियों की तरह मोड़ लेती हूँ अपने बाजू, और इसके बाद ये भी, ताकि आटे के अंदर जो है ना ये सब कुछ भी ना जाए वो निकल। तो जी आटा गूंदने से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक अदर एप्रन ले लिया है। इसको बांधूंगी मैं यहाँ पर और गूंदूंगी मैं आटा, ठीक है। सो लेट्स गो। यहाँ पर भिंडी साफ़ कर रही हूँ। भिंडी साफ़ करने के बाद, तो जैसा कि यहाँ पर मैंने भिंडी ऑयल में डाल दी है और इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के साथ साथ मैं इसमें जो हरी मिर्ची हैं कटी हुई हैं, वो हरी मिर्ची जो है वो इसके अंदर जो मैं ऐड करूँगी। मैं गांव गई थी अभी पिछले कुछ महीनों से पहले, तो वहाँ पर मैंने अपनी खाला को देखी थी सब भिंडी पकाते हुए। तो उसमें जो है ना उन्होंने हल्दी और नमक ऐड कर दिया था ताकि जो है ना वो उसका कलर भी आ जाए और जल्दी वो फ्राई हो जाए, एक नया तरीका। तो उस वजह से फिर मैंने भी इसी तरह बनाई। फिर ये जब फ्राई हो गई तो इसके अंदर, मतलब उसी वक्त फ्राई करने के बाद, मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची और धनिया और कुटा हुआ धनिया, नमक वगैरह, नमक तो पहले ऐड कर दिया था तो वो ऐड किया। और फिर ये ब्राउन हो गया, मतलब कि घर वाले कहते हैं ये जो बिल्कुल ना सोते हो, मतलब कि बिल्कुल क्रंची क्रंची हो। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन और टमाटर ऐड कर दिए हैं, और ये अभी ज़िंदा लग रहे हैं। इसके मतलब जब मैं इसके अंदर प्याज वगैरह डालकर इसको हल्की आंच पे रखूँगी ना, तो ये जो है ये सारे मिक्स हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। तो अभी ये इसके अंदर मैंने प्याज वगैरह ऐड कर दिए हैं, और इसके अंदर मैं चम्मच चला रही हूँ, और चम्मच चलाने के बाद जो है इसको मैं हल्की आंच पर रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट या 25 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि वो जो है ना इसके अंदर सारा मसाला मिक्स हो जाए। तो गाइस सालन रेडी है और आटा मैंने गूंद लिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। सेवा वहाँ कर रही है कपड़े प्रेस, और क्या हुआ कि मुझे काम पे लगा दिया इन्होंने। ऊपर ये ब्लैंकेट धो रही थी, ब्लैंकेट इन्होंने धो लिए। मैं आपको चल के दिखाती हूँ, थोड़ा ज़रा हल्का कर लो उसको। हाँ बस सही है, लाइट्स ऑफ। तो मैं अभी आपको ऊपर चल के दिखाती हूँ, इन्होंने ब्लैंकेट धोए। ब्लैंकेट धोने के बाद क्या किया है कि इन्होंने कहा कि कपड़े धोने, साथ में मशीन भी लगा लेंगे। फिर ऐसा हुआ कि मोटर ख़राब हो गई है, बोरिंग ने पानी छोड़ दिया है, और अब ये लोग बच गई हैं और मैं फंस गई। यानी कि इन्होंने जो है, इन्होंने क्या कर रही हो, दंदो निकाल रही है चीची डीजे। ये देखो ये खड़ी हुई थी मेरे इस्तकबाल के लिए, इसने ना ये नोश पे अपना हाथ मारा है। और ये देखें इतने जहरीले नाखून थे इसके, नाखून कटे हुए थे, कोई एक चीज़ इसकी ऐसी लगी है जिसकी वजह से। ये मेरे पौधे हैं जिनको आज मैंने पानी दिया है सिर्फ, और थोड़ा थोड़ा ना इनके अंदर खुरपी मारी है, ये सारे मैंने भी सेट करने। तो इन्होंने एक चटाई धोई है, और बिस्तर किधर है। तो ये दो ब्लैंकेट इन्होंने धोए हैं। ये हमारा जो है ना काठ कबाड़ है, इसको इग्नोर करें, हर घर में कोई काठ कबाड़ होता है। तो ये मेरा है, अब भाभियाँ बना रही हैं रोटियाँ, क्योंकि मैंने इनकी छुट्टी ख़त्म कर दी है।
क्योंकि पानी हो गया था ख़त्म, इन्होंने मशीन लगानी नहीं थी, तो मैंने कहा तुम लोग मशीन नहीं लगा रहे तो रोटियां बना लो, तो ये बना रही रोटियां। तो बस अब खाते हैं खाना, पढ़ते हैं नमाज, और फिर मैं शाम को दिखाऊंगी कि मैं कुछ नया क्या करने वाली हूँ। तो फिर मिलते हैं शाम में। बारिश की वजह से मैंने कर दिया है अपना लैपटॉप बंद, क्योंकि मौसम कुछ है अबर आलूद। मैंने कहा उस वेदर को जाके इंजॉय करूं, कहाँ चल गया भाई शेटडाम। ये मेरी स्क्रीन ख़राब हो गई है, किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर गाइड करें कि इसका क्या करूं, क्योंकि कोई भी लेके जाने वाला नहीं है, निकम्मे कोई बात ही नहीं सुनता मेरी। मैंने कहा इम्कान पूरा पूरा इम्कान है पूरा पूरा। हमारी चाय और इस चाय के साथ इतना खूबसूरत वेदर, ये है आयशा की चाय, रुमैसा की चाय, और इतना प्यारा खूबसूरत वेदर है और बादल जो गरज रहे हैं ना, बस गर्जिंग गर्जिंग और बरसिंग नहीं, बरस जाओ बरस जाओ। किसी की भलाई होगी तो बरस जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं बरसेंगे। या अल्लाह रहमत की बारिश बरसाना, रहमत की सबको हिफ्ज़ो अमान में रखना अपने, या अल्लाह। मैं जा रही हूँ इस चाय के साथ नीचे, ओ या अल्लाह भाई नीचे जा रही हूँ, मैं तो इस चाय के साथ जा रही हूँ नीचे, हम पीते हैं चाय। ये क्या कर रही है, पकड़ खड़ी हूँ। यही नहीं कि ऊपर चली जाऊं उसको बंद करके आऊं, मैं पकड़ती हूं इसको, पतीले को सभी पकड़ो, मैं पकड़ती हूं जा, शाबाश जल्दी पहुंच जा। ये देखिए कितनी परेशान हो रहे हैं ये सब, ओ कब जा रही है, हटो जरा मैं ऊपर जा रही हूं। अरे ऐसे फोन मत उठी ना पहले शूज कौन से जा रहे हैं, मैं नहीं लगा पानी कर रहा हूं, पानी बारिश आ रहा, बारिश बारिश बारिश। अब क्या होगा, ये होता है हमारे साथ। तो जैसे कि बारिश हो रही है और इस बारिश में मैं जा रही हूँ ऊपर, वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकती मैं, क्योंकि ये जो बारिश की हालत है ना, इससे मेरा मोबाइल हो जाएगा। ओ ओ पकड़ो, भागो 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 भागो, ले 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 भागो। ओ जी जी पानी भर रहे हैं, हाँ बर्तन रखे तो हैं, वो पतीला उधर रखा हुआ है, बड़ा पतीला नीचे रखा हुआ है, बाकी ये पड़े हुए हैं। ये क्या तुमने किया हुआ है, अल्लाह आयशा नहीं, ये मेरी दादी की चरपाई नहीं आ रहा। बंद जेबा बंद हो शुक्र है। ये क्या मोबाइल अब तैयार किया, इसके ऊपर शॉपर चढ़ा दिया इसने, मुझे भी चढ़ा के देता ना, मैं अभी तो वीडियो नहीं बना सकती। काम भी कर रहा है शॉपर पे, हमारा तो नहीं करता। ये छत से पानी आ रहा है सारा। तो गाइस जैसा कि बारिश हो रही है और पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है, बारिश बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से जो है ना घर की जो छतें हैं ना ऊपर वाली वो लीक नहीं होती थी, लेकिन जब तेज़ बारिश आती है तेज़ ज़्यादा पानी आता है। तो
जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, आज ज़्यादा बारिश हो गई और ज़्यादा पानी आ गया और छतों में से भी पानी बहने लग गया है। तो अब वो इन चीज़ों को हम करते हैं कवर, और सेकंड वो भी कवर अप हो गई है क्योंकि वो उसके ऊपर ना अच्छे से वाले कपड़े वगैरह हम रखा करते थे, तो अब बारिश नहीं हो रही थी तो हमने नहीं रखी। तो जैसा कि अब जो है ना वो हमने कवर कर लिया, नीचे का फ्लोर जो है ना हमारा सेम है, अब रह गया हमारा ऊपर वाला फ्लोर, और उसका खैर है क्योंकि अब इतना खास सामान वहाँ ऊपर है नहीं। तो ज़्यादा ये था कि नीचे का घर बिल्कुल बंद है, साफ है, और अगर यहाँ पर पानी आया तो फिर वो हो जाता। तो अक्सर मतलब जब भी बारिश होती है तो अब ऐसा होता है, जब स्टार्टिंग में था ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें दीवारें और छतें वगैरह जो है ना वो लीक थी, सही नहीं थी। हमने कवर अप करवाई, सब कुछ ठीक करवाया, अब बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। बारिश होती है तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, बस फिलहाल रुपये को याद आता है जब ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है, और जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। इस वक्त फिलहाल बारिश तेज़ हो रही है, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पे एंड। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी साथ करें। पहले हम बहुत जल्द जाते थे, अब नहीं जाना डरते, अब जो है ना सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपने अमान में रखे, इस बरसात में भी सबका हामी और नासिर हो। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।